आज हमारे मुल्क में अजीब और गरीब किस्म का माहौल पैदा हो गया है। अगर इसे देखा जाए तो अल्लामा इकबाल का शेर तो ज़रूर जहन में आ जाएगा। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मोदी और अमित शाह के इस दौर में आना, तरक्की से 4-5 कदम पीछे निकल जाना, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इनके नशीले बयान, इनके ड्रामेबाजी और इनके जुमलेबाजी ने इनका पत्ते को पलटा दिया है। 15 लाख रुपए बैंकों में जमा करने की बात हो, सालाना 2 करोड़ नौकरियों का इस्तकबाल करने की बात हो, ये सब इनके धोखेबाजियों की निशानियां हैं। और मैं आज इन्हीं धोखेबाजी की निशानियों को लोगों के दरमियान डंके की चोट पर गाने बाजे के साथ मैं इनको पीटूंगा। इन्होंने ये खिलवाड़ कर चुका है इस देश के साथ, इस मुल्क के साथ, इस वतन के साथ। वतन के रहनुमाई इनको कभी गवारा नहीं देती। आज हर तबके के लोग इनसे नाखुश हैं। नोटबंदी हो या GST हो, ऐसे कदम इनके बेबसी के आलम को दिखा दिया है। इन हुक्मरानों के बेबसी का आलम के नतीजे हैं। और मैं आज आप सबसे ही मुतवाना गुजारिश करता हूँ कि आप सब इत्तेहाद हो जाओ, क्योंकि इत्तेहाद इनको हराएगा। तो आप सबसे तमाम लोगों से ये मुतवाना गुजारिश है कि आप सारे सरवरों के साथ मिलकर एक ही जगह पर आ जाए, क्योंकि इस नाकामी हुकूमत को गिराया जाए और आने वाले नस्लों को बर्बादी से बचाया जाए। यही तबके, सारे तबके के लोग इनसे नाखुश है। As far as the nation